नागपुरी इंडस्ट्री का एक लेडी लिरिक्स राइटर एंड सिंगर जो कि बहुत ही हिट गाना वो लिखे हैं और दोस्तों गाए भी हैं, जिसका नाम है दोस्तों ऐसन दीवानापन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही रहेंगे। बाकी मैं शिव आप लोग का स्वागत कर रहे हैं दोस्तों मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल नागपुरी लाइफस्टाइल लवर में। तो आज दोस्तों आप लोग का बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं हम लोग का नागपुरी इंडस्ट्री का एक क्यूट सा लेडी लिरिक्स राइटर एंड सिंगर। वो बहुत ही अच्छा अच्छा दोस्तों गाना लिखते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा वो गाना भी गाए हैं। जितना भी सुनते हैं उसका सॉन्ग को फिर भी उसको रिपीट कर करके सुनने का मन करता है, वैसे एक लिरिक्स राइटर और सिंगर है वो। कुछ दिन पहले दोस्तों वो गाना लिखे थे और गाए भी थे, जिसका नाम है दोस्तों ऐसन दीवानापन, जहाँ पर दोस्तों नितेश कच्छप का साथ में ड्यूट गाना वो किए थे और लोग सब दोस्तों काफी ज्यादा पसंद किए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नागपुरी इंडस्ट्री का लेडी सिंगर जिसका नाम है दोस्तों नीलम टपनो। एक नया सिंगर है दोस्तों जो नागपुरी इंडस्ट्री में आते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा धूम मचा करके रखी है और साथ ही साथ में दोस्तों काफी अच्छा अच्छा हिट एल्बम वीडियो वो लाई भी है और गाना भी गई है और लिरिक्स भी लिखी है। चलिए अभी जानते हैं उसका बारे में कुछ अनसुनी बातें और साथ ही साथ में दोस्तों कौन कौन सा वो एल्बम वीडियो गाए हैं, लिखे हैं और कितना सारा एल्बम वीडियो में वो हीरोइन भी बने हैं, वो सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। नीलम जी का जन्म दोस्तों झारखंड के एक छोटा सा प्यारा सा गांव जिसका नाम है दोस्तों करवा ढोरी, जो प्लामू में पड़ता है, वहां पर दोस्तों उसका जन्म होता है। जब वो 2 साल के थी उसी समय में दोस्तों उसका घर वाला सब उसको कश्मीर में शिफ्ट कर दिए थे। कश्मीर में दोस्तों कुछ दिन रहने का बाद में वो 9 साल शिमला में रुकी है। 9 साल शिमला में रुकने का बाद में दोस्तों वहाँ का वादी, वहाँ का माहौल, वहाँ का दोस्तों नजारा, वो सारा कुछ को देखते हुए उसको लगा कि हम कुछ लिख सकते हैं और दोस्तों वो लिरिक्स लिखना स्टार्ट कर दी। लिरिक्स लिखने का बाद में बहुत सारे ऐसे सिंगर लोग को मौका दिया और उन लोग को प्रोवाइड किया अपना लिरिक्स को, और दोस्तों वो लोग उस लिरिक्स को लेकर के दोस्तों गाना गाते थे और अपना पहचान बनाते थे। वो ओनली फॉर दोस्तों लिरिक्स लिखते थे, पर दोस्तों उसको कभी भी ये नहीं था कि हमको कभी सिंगर बनना है बोल के। लेकिन दोस्तों वो सोनू निगम और अलका जी का काफी ज्यादा करीब थी और उन लोग का गाना सबको काफी ज्यादा वो सुना करती थी। जब दोस्तों वो लिरिक्स लिख करके किसी और को वो देती थी तो उस समय में उसका पहचान कुछ नहीं था और दोस्तों लोग सब जानते नहीं थे। हम लोग का नागपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लिरिक्स लिखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उन लोग का नाम कभी भी ऊपर में नहीं आता है। बस सिंगर लोग का नाम ऊपर में आता है और वही लोग फेमस होता है, और उसी को देखते हुए दोस्तों नीलम जी ने डिसाइड किया कि हमको सिंगर बनना है, अपना खुद का पहचान बनाना है, खुद का सॉन्ग हम लिखेंगे और खुद हम उस सॉन्ग को गाएंगे। नीलम टपनो दोस्तों सिंगर बनने के लिए 2016 से 17 में वो रांची आ गए। रांची आने के बाद में दोस्तों उसका सिंगिंग का वो प्रैक्टिस किया करते थे और साथ ही साथ में दोस्तों उसका पढ़ाई भी कम्प्लीट नहीं हुआ था तो वो पढ़ाई को भी ध्यान देती थी, तो ऐसे कुछ उसका स्ट्रगल था। और साथ ही साथ में दोस्तों आगे जाने का बाद में 2020 में दोस्तों वो सोची कि चलो हम इतना सारा लिरिक्स लिखे हैं, एक गाना हम गाते हैं, और 2020 में दोस्तों वो जाता है सर्वन एसएस का पास में और सर्वन एसएस का साथ में दोस्तों एक ड्यूट सॉन्ग वो गाती है और उस ड्यूट सॉन्ग का नाम है दोस्तों मुझे अपन दिल दे दे लो एक पागल दीवाना के। ये सॉन्ग तो आप लोग जरूर सुने होंगे दोस्तों, रोमांटिक सॉन्ग है और अभी का डेट में अगर YouTube का व्यू के बारे में बात करेंगे तो 1 मिलियन प्लस उसमें व्यू आया है। फिर आया दोस्तों दूसरा हिट सॉन्ग जो कि दोस्तों नितेश कच्छप का साथ में 2022 में दोस्तों रिकॉर्डिंग की थी। 2022 में एक सॉन्ग ऐसे दोस्तों रिकॉर्डिंग किया गया था, उस सॉन्ग का लिरिक्स दोस्तों 3 साल पहले वो लिख करके रखी थी और वो गाना का नाम था दोस्तों ऐसन दीवानापन कहियो नहीं देख रहो रे, तो इस टाइप से दोस्तों वो सॉन्ग था और इस सॉन्ग का काफी ज्यादा दोस्तों प्यार मिला और इस सॉन्ग नितेश कच्छप का साथ में वो गया हुआ था और नितेश कच्छप का आवाज और नीलम टपनो का आवाज दोस्तों लोग सबको काफी ज्यादा पसंद आया और काफी अच्छा दोस्तों उसमें रिस्पॉन्स आया। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं नीलम जी का एल्बम वीडियो जिसका दोस्तों लिरिक्स भी वो लिखी है और गाना भी वो गाई है। तो पहला एल्बम वीडियो का नाम है दोस्तों मैं अपन दिल दे दे लो पागल दीवाना के, ये तो हम पहले भी बताए जो काफी ज्यादा हिट था। और दूसरा गाना है दोस्तों ऐसन दीवानापन जो नितेश कच्छप जी का साथ में वो गाई है, और साथ ही साथ में दोस्तों तीसरा गाना का नाम है नैना और ये दोस्तों अभी अभी रिलीज हुआ है, एक बार जाकर के आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। नैना नागपुरी सॉन्ग आप लोग लिखेंगे तो आ जाएगा। और एक हिट सॉन्ग है दोस्तों जिसका नाम है कलयुग जमाना,
तो ये सब दोस्तों नीलम जी का हिट हिट एल्बम वीडियो है जिसमें वो गाना गाई है। ये था दोस्तों नीलम जी का कुछ अनसुनी बातें जो हम आप लोग को बताए, और दोस्तों बहुत ही कम लोग नीलम जी का बारे में जानते हैं जिसका वजह से हम इस वीडियो को बनाए। बाकी दोस्तों इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा नीलम जी का बारे में जान करके, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।